ये गोल्फ है, हम अमीरों का खेल। खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं। आदाब मैचिंग मैचिंग। जो इन्होंने कहा कि गुड़ नालों इश्क मिठा, तो इन्हों के अंदाज नाल सारियां नूं इश्क हो गया। साढ़े नाल जस अरोड़ा साहब ने जी आया नूं। भाजी की हाल ने? फर्स्ट क्लास जी। भाजी टावां टावां नज़र आते हो या फिर महफिलों से तुहानूं वेखी दा? हुण फिल्मां दे विच एक नवी पारी सैकेंड इनिंग की शुरुआत हुई है, की कहना चाहोगे? जो चंगा काम नहीं मिलिया तो नहीं किया। जो सोहेल भाई ने मैं फोन किया इस फिल्म वास्ते, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मिलना चाहना और एक स्क्रिप्ट अगर जिस मैं काम कर रहा तो प्लीज़ तुम बॉम्बे आओ तो एक मीटिंग करनी है। मैं क्या सोहेल भाई मैं कल आ रहा। आई रीच बॉम्बे, उन्होंने मैं बड़े प्यार पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। तो जो थोड़े डायरेक्टर थोड़े कैरेक्टर से थोड़ी लुक से थोड़ी एक्टिंग से भरोसा हो काम करना चाहिए। सलमान खान प्रजेंट्स, सोहेल खान डायरेक्ट्स, अरबाज खान इज एक्टिंग इन द फिल्म, सुपरस्टार पावर थोड़े नाल है और उन्होंने थोड़ी एक्टिंग दे भरोसा है। मैं सोचना कि फिर उस वड्या तुहानू मौका नहीं मिल सकता। मैं तुझे इस तरह से हराऊं, गोल्फ तो दूर, तू कंचे खेलने के लायक भी नहीं रहेगा। कमन तो हम पहाड़ का तोड़ दे फिर तू क्या चीज है बे? जस्ट शट अप, हैंड्स डाउन। ते नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाल मेरी इतनी जुगलबंदी है, समझ लो कि ऐसी जिंदगी च नहीं मिले सी पहले कभी। लेकिन जब सेट ने मिले वो हीरो, मैं नेगेटिव कैरेक्टर, मैं विलन प्ले कर रहा हूं और साड़ी मनी गहरी दोस्ती हो गई। हूँ असी हर जगह इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं अजकल और उन्होंने नाल एक्टिंग करके मन लगता कि मेरे भी एक्टिंग का लेवल उन्होंने वधा दिता। ते तुहाडा जिहड़ा लुक जिहड़ा नवा तुसी इख्तियार कीता लीला विच तुसी नजर आए, इस विच इस लुक दा तुहानू लगदा कि किन्ना कु योगदान रहा? देखो जी, अगर सिर्फ लुक ही लुक है तो फिर बंदा मॉडल ही रह जाता है। जो सोहेल भाई ने मैनू जो इस पहला सीन किया सी और जो असी सैट तो पहले दिन पहुँचे तो उन्होंने कॉन्फिडेंस लैवल इन्ना हाई से उन्होंने मेरे तो नवाज़ नूं एक सीन कराया जो चार पेज का सीन सी, पहला शेड्यूल का पहला दिन, तो वो असी एक टेक च किया। एक्चुअली ना मेरा हमेशा सोचना है कि तुसी अगर तैयार हो मेंटली, जिस एक्टर नूं नहीं मिलता काम तो वो चार पाँच साल नहीं मिलता है, तो मतलब यह नहीं कि तुसी डिले हो जाओ। यह मतलब है कि तुसी तैयार हो, तुहानू काम जरूर मिलेगा, थोड़ी लुक के हिसाब दो, थोड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब दो। तो अगर उन्होंने मैं नवाजुद्दीन के सामने अगर पिट किया है, यह मतलब कि अगर तुहानू इन्ना वड्डा स्टार पावर, तुहानू इन्ना ट्रस्ट कर रहा है तो फिर खुल के काम करने मिलता। तो वो दौर जब याद करते हो जो तुम ओवरनाइट एक सेंसेशन बन गए, ओवरनाइट स्टार जिन्हों कहते वो बन गए, जो गीत आया से गुड़ नालों इश्क मिठा, वो याद करते हो तो उस दौर का की याद आता उदों की फैन फॉलोइंग वगैरह? भाजी उस वक्त भी बड़ी मेहनत करते, असी भी दिन टूर दे रहे, मेहनत हमेशा की है, कोशिश यह की कि चंगे काम करिए, कोई यहोजा काम ना करिए, कोई यहोजा रोल ना लालीए जो लुक न ना सूट करता हो। वो की कहते ना, भले सारी जिंदगी लड़की कुवारी बैठी रहे लेकिन काम नहीं गलत करना। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅੱਛੇ ਰੋਲ ਲਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟੈਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪਾੜੀ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਟੱਕਰੀ।